नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा अब एक धारावाहिक की तरह हो चुका है, इसलिए इस धारावाहिक की एक और कड़ी आज हम देखेंगे डीएनए में। रामविलास पासवान साहब ने कहा है कि बिहार पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे फिर अपनी मांग रखे। अच्छा हुआ रामविलास पासवान देश के शिक्षा मंत्री नहीं है, वरना सबको पहले वो फर्स्ट डिवीजन से पास करवा देते और फिर कहते पढ़ाई शुरू कीजिए। उधर पटना नगर विकास विभाग ने भारत के नक्शे से कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को गायब कर दिया। नगर विकास विभाग को बताना होगा कि पटना में बारिश के बाद लोगों के गड्ढे में गायब होने में और देश के नक्शे से दो राज्यों के गायब होने में फर्क है। बिहार में दल एक दूसरे को विलय करने का सुझाव दे रहे हैं और ऐसा करके उन्होंने खुद ही साबित कर दिया है कि दलों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि विचारों का भी विलय हो सकता है, ऐसा बिहार के मायावी नेता ही कर सकते हैं। और चुनाव पवित्र होते हैं, इसका उदाहरण झारखंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ दागियों को भी चुनाव में डुबकी लगाने का भरपूर मौका मिल रहा है। और अंत में ये कि सलमान खान की बहन की शादी की खबरों से अगर आपको फुर्सत मिल गया हो तो किसानों की खबर भी हम लोग छोटे में ही देख लेंगे। डीएनए की शुरुआत करेंगे आज एक अच्छी खबर से, किसी सरकार या किसी पार्टी की तरफदारी के लिए नहीं, बल्कि वाकई कुछ अच्छा हुआ है। केंद्र सरकार ने 3 साल बाद आम लोगों के निवेश के लिए चर्चित और लुभावने माध्यम किसान विकास पत्र को एक बार फिर से लॉन्च किया। सरकार ने यह पहल छोटे निवेशकों को दूसरे लुभावने माध्यमों की धोखाधड़ी और गड़बड़ियों से बचाने के लिए की है। इस माध्यम में निवेश के बाद पैसा 100 महीने में दोगुना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना को रिलॉन्च किया। इसके तहत 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये के किसान विकास पत्र खरीदे जा सकते हैं। नए किसान विकास पत्र में यह सुविधा होगी कि अगर आप चाहें तो 2.5 साल के लॉक इन पीरियड के पूरा होने के बाद इसे भुना भी सकते हैं। शुरुआत में किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, और ध्यान से सुनिएगा, पोस्ट ऑफिस में आपको ये मिलेगा, लेकिन सरकार जल्द ही सरकारी बैंक की प्रमुख शाखाओं में भी इसे उपलब्ध करा देगी। आपको बता दें कि इस लोकप्रिय निवेश माध्यम को 1988 में लॉन्च किया गया। शुरुआत में इसमें राशि 5.5 साल में दोगुनी हो जाती थी, लेकिन ब्याज दर घटने के बाद यह अवधि बाद में 7 साल 11 महीने कर दी गई। अगर कोई व्यक्ति किसान विकास पत्र खरीदता है, मान लीजिए अगर आप खरीदते हैं, तो इसका सर्टिफिकेट सिंगल और जॉइंट नामों से भी जारी किया जाएगा। अपने सुविधा अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इसे ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसे एक पोस्ट ऑफिस से देश में कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। किसान विकास पत्र को गिरवी रखकर बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं। यानी एक अच्छी पहल है लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने को लेकर। आगे बढ़ते हैं। कभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की वकालत करने वाले रामविलास पासवान के मंत्री बनने के बाद स्थिति यह है कि उनके सुर बदल गए। आज वो ये कह रहे हैं कि बिहार को पहले उस लायक बनना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। देखिए क्या कहा उन्होंने। एनडीए का स्पेशल स्टेटस का जो मामला है, सबसे बड़ी बात है कि आप बतलाइए ना कि जब तक आप कोई चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कीजिएगा और उसके पहले आप क्या कहते हैं कि लागू कर दीजिएगा, तो बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ स्पेशल स्टेटस क्या कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, वहाँ क्या हुआ है? तो उसके पहले आपको सारा का सारा जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर इस गवर्नमेंट के रहते हुए तैयार नहीं होगी। जब नई सरकार बनेगी अपने तरफ से क्या कहते हैं कि अपने तरीके से सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी और तब विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा। तो बीजेपी के सहयोगी का बयान आपने सुना। रामविलास पासवान साहब जो कह रहे हैं उस तर्क में दम है, या वो भी सहूलियत की राजनीति ही लेकर मैदान में कूद चुके हैं। 12 जून 2011 को, और ध्यान से सुनिएगा, 12 जून 2011 को इन्हीं रामविलास पासवान ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। यानी 2 साल पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, पर अब जब वो बीजेपी के साथ हैं, सरकार में हैं, तो उनके विचार बदल गए हैं। इसलिए सवाल ये है कि क्या हर दल इस मामले में राजनीति ही कर रहा है और बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करने की कोशिश ही नहीं हुई है। आइए इसको थोड़ा समझने की और कोशिश करते हैं। भारत में 1969 तक राज्यों के बीच आम और खास का कोई फर्क नहीं था, कोई विशेष राज्य, आम राज्य, विशेष राज्य ऐसा कुछ था नहीं हमारे देश में। लेकिन 5वें वित्त आयोग ने जटिल भौगोलिक स्थिति, बिखरी हुई जनसंख्या, सीमित राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय सीमा परिस्थिति को देखते हुए असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को यह दर्जा दिया। इसी पैमाने पर उत्तर पूर्व के सभी राज्य और उत्तराखंड, हिमाचल सहित कुल 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा हमारे देश में दिया गया। हालांकि विशेष दर्जे का कोई संवैधानिक समर्थन नहीं होता है, यह भी जाना जरूरी है। योजना आयोग की तरह ही यह भी संविधान से अलग एक व्यवस्था है,
जो विकास और पिछड़ेपन का पैमाना तय करती है। यहां सवाल यह भी है कि क्या बिहार का पिछड़ापन उसकी भौगोलिक संरचना के कारण है या उसकी प्रशासनिक असफलता का नतीजा है। देखिए, देश की या देश में जो 1970-80 के दौरान जो हालात थे, देश उधर लौट रहा है। राजनीति बिल्कुल वैसी ही हो रही है। उस समय भी देखिए, राज्यों के बीच बहस का मुद्दा तरक्की से संबंधित ना होकर केंद्रीय मदद में ज्यादा हिस्सा लेने से संबंधित होता था। और विरोधाभास कितना है इस मुद्दे में, इसको भी समझिए। देखिए, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास के मॉडल को अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि बिहार का मॉडल सर्वोत्तम है, और फिर इसके विकास के सवाल पर मजबूरी भी नीतीश कुमार दिखाते हैं। आंकड़े भी बिहार की हकीकत को बयां करने के लिए काफी हैं। बिहार केंद्र से राज्यों को जाने वाले संसाधनों में अकेले ही 8.8% का हिस्सा रखता है, जबकि विशेष दर्जे वाले जितने भी राज्य हैं, 11 राज्य, उनको अगर आप मिला लीजिए तो 18.5% हिस्सा पाते हैं। अगर आप 2012-2013 की ग्रोथ रेट को देखें तो यहां भी बिहार विशेष दर्जे वाले राज्यों की अपेक्षा सामान्य राज्यों में, मध्य प्रदेश जिसका विकास दर 10.02 था, 10.02%, उसके बाद 9.48 की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा, यानी विकास के मामले में बिहार आगे रहा। यदि गौर किया जाए तो पिछले एक दशक में अगर उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्यों ने महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया तो ये उनके सक्षम शासन कहिए या दूरदर्शी सियासत का नतीजा कहिए, ना कि केंद्र सरकार ने इन 10 सालों में इन पर कोई अलग से मेहरबानी कर दी। इसलिए यहां सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार अपनी प्रशासनिक दक्षता पर खुद ही सवाल खड़े करने का मौका दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए उनके हिसाब से राज्य को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है भी, तो क्या नीतीश कुमार के पास कोई मौका नहीं था इस काम को करने के लिए? याद कीजिए, जब नवंबर 2000 में बिहार का विभाजन हुआ तो समता पार्टी ने राज्य के लिए 1,79,200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की थी। तब नीतीश कुमार समता पार्टी के बड़े नेता थे, और अहम बात यह है कि केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी थे, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला। उस समय नीतीश भी चुप ही रहे थे। आज देखिए, हालात ये है कि रामविलास पासवान जो बिहार को विशेष दर्जा दिलाना चाह रहे थे, वो अब अपनी ही बात भूल गए हैं, और नीतीश जो पहले चुप थे वो अब बोल रहे हैं। तो यही है विशेष राज्य पर माथापच्ची। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। आरजेडी और जेडीयू का विलय हो सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों पार्टियों के विलय की खबर आने लगी। क्या इसके पीछे पीएम मोदी और बीजेपी की लहर है, बड़ी वजह यह है, या बड़ी वजह मिशन राहुल है? एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अंतिम निर्णय आलाकमान का है, और इसके ऊपर अंतिम निर्णय लेना आलाकमान का है। लेकिन ये बात सही है कि अगर पार्टी अकेले लड़ती है तो नौजवानों को मौका मिलेगा, एक संगठन तैयार करने का मौका मिलेगा। और हम गठबंधन में लड़ते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम हो पाएंगे। तो इन सब बातों को देख के मतलब अंतिम निर्णय आलाकमान इस पर लेंगे। पहले महाराष्ट्र और फिर जम्मू कश्मीर, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगियों को बाय बाय कर दिया और अकेले उतर गई मैदान में। अब चर्चा है कि मिशन राहुल के तहत बिहार में आगामी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। निश्चित रूप से कौन नहीं चाहता है कि अपना घर मजबूत हो और हम अपने मजबूत घर में रहें? क्यों हम पड़ोसी के घर में रहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हर एक पार्टी, ये नहीं कांग्रेस, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसका घर मजबूत हो। पहले तो अपना घर मजबूत करना है, तो निश्चित रूप से एक प्रयास हम भी कर रहे हैं कि हम अपना घर को मजबूत कर सकें, लोगों को जोड़ सकें, अपनी विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार प्रसार कर सकें, लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकें, नौजवानों को अपने साथ जोड़ सकें। जो UPA 1 UPA 2 में बिहार के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, उनकी बात जनता के बीच ले जा कर रख सकें। माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस मिशन की भनक मिलते ही अब बिहार में RJD और JDU के संभावित विलय की खबर सामने आने लगी है, ताकि ना सिर्फ बीजेपी को टक्कर दी जा सके बल्कि कांग्रेस के साथ भी बार्गेनिंग की जा सके। हालांकि मिशन राहुल के इफेक्ट की बात को जेडीयू सिरे से नकार रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने सहयोगियों को छोड़ दी, शिवसेना को छोड़ दी, हजका को छोड़ दी, कई राज्यों में आपने देखा है। तो उनका अपना नीति है, कांग्रेस अब क्या चाहती है?
क्या नहीं करती है उनका अपना एजेंडा हो सकता है। हमारा एजेंडा है कि हम सबके साथ मिलकर के जनता परिवार और भी जो लोग एक समान विचार के लोग हैं वो लोग आएंगे, वामपंथी भी हैं, और हम सब मिलकर करके करके ऐसे पूंजीपतियों के मठाधीश और पिट्ठू पर बैठे हुए लोगों को हम नेस्तनाबूत करेंगे। बिहार में आरजेडी और जेडीयू एक साथ आएंगे, इस पर बहस जारी है, लेकिन अकेले दम पर बिहार में कांग्रेस को खड़ा करने की राहुल गांधी की हसरत ने इन दोनों क्षेत्रीय दलों में घंटी जरूर बजा दी है। यही वजह है कि नीतीश और लालू को अब समाजवादियों को एकजुट करने की जरूरत महसूस होने लगी है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। आरजेडी और जेडीयू के विलय की खबर के बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलय कर जाएं। ये भी देखिए, पूरे देश में सेक्युलर ताकतों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस जो है हमेशा फ्लैग रनर रही है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं उन सबको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय करना चाहिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही पूरे देश में इसका पैन इंडिया इंपैक्ट है। लोकसभा चुनाव और हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनावी तकदीर के गोते खाने के बाद कांग्रेस में अकेले चलने की आवाज मुखर होने लगी। बिहार, तमिलनाडु, यूपी जैसे राज्यों में पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है कि कांग्रेस को अपने बूते खड़े होने चाहिए, गठबंधन से उसे नुकसान हो रहा है। कांग्रेस की रणनीति 10 साल में बदली है तो उसके पीछे की वजह देश में मोदी लहर भी है। बता दें आपको कि मई 2004 में कांग्रेस ने गठबंधन का रास्ता अपनाकर केंद्र में वापसी की थी। तब सोनिया गांधी ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों को अपने साथ लाने का विचार अपनाया। साल 2003 के कांग्रेस के शिमला सम्मेलन में 1998 में पंचमढ़ी में हुए सम्मेलन के बाद से चली आ रही गठबंधन की राजनीति को अस्थायी मानने की पार्टी की विचारधारा को बदल दिया गया। इस रणनीति को अपनाकर कांग्रेस ने देश में लगातार 10 साल तक राज किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार और राज्यों में घटते जनाधार के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। हो सकता है कि कांग्रेस के इस बदलाव ने समाजवादियों को एक मंच पर आने को विवश किया, क्योंकि देश में जो हाल इस समय कांग्रेस का है लगभग वही हाल समाजवादियों का है। दोनों इतिहास के अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं और दोनों मजबूती से खड़ा होने की कोशिश में जुटे हैं और इसके लिए दोनों अपने अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर कांग्रेस कह रही है कि सभी छोटी पार्टियों को बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस में मिल जाना चाहिए तो उसके भी बड़े राजनीतिक मायने हैं। क्या ये कांग्रेस की दबाव की राजनीति है या वो राज्यों में सहयोगियों को संदेश देना चाहती है कि उसे छोटा ना आका जाए, वो बड़ी पार्टी है और हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। बिहार, यूपी, तमिलनाडु में कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियां कोई तवज्जो नहीं देती, यहां तक कि कोई उनसे गठबंधन को तैयार भी नहीं है। ऐसे में अगर कांग्रेस ये कह रही है कि छोटी पार्टियां उसमें विलय कर ले तो ये संकेत है कि उसे कमजोर नहीं आका जाए, वो बड़े फैसले ले सकती है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार की खबर। नीतीश कुमार ने आरजेडी और जेडीयू के विलय की खबरों को सिरे से नकार दिया। अपने संपर्क यात्रा के दौरान समस्तीपुर में नीतीश ने कहा कि जनता परिवार के सभी लोगों के एकजुट होने की संभावना है, लेकिन आरजेडी जेडीयू के विलय की कोई बात नहीं है। ये भी देखिए, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन नेशनल लोकदल और समाजवादी जनता पार्टी, ये सब हमारे पुराने जनता परिवार के से जुड़े रहे। तो हम सब लोग बैठे और उसके बाद हम लोगों ने ये बातचीत की कि अब हम लोगों में आपस में मेल मिलाप होना चाहिए और ये एक बात उभर कर आई कि सबको मिलकर काम करना है और हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि और विचार विमर्श करने के बाद हम लोग अपनी अपनी पार्टियों में विचार विमर्श कर लें और उसके बाद अगर संभव हो तो हम एक दल के रूप में भी अपने को संगठित करें, तो इसकी एक संभावना है। तो संभावना की बात खुले तौर पर नीतीश कुमार स्वीकार कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि संभावना किसके लिए है, कांग्रेस के लिए या नीतीश कुमार खुद अपनी संभावना तलाश रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।
झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बीच कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। चुनाव के पहले सभी पार्टियां भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड की बात करती थी, लेकिन टिकट देने की बात जब सामने आई तो देखिए सभी दलों ने दिल खोलकर भ्रष्टाचार के आरोपियों को टिकट दिया है। जेएनएम ने भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे 5, बीजेपी ने 3, आरजेडी ने 6, कांग्रेस ने 3, आजसू ने 4 लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिन 5 लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया उनमें से सीता सोरेन हॉर्स ट्रेडिंग मामले में न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रही हैं। जेएमएम में शामिल होकर जरमुंडी से टिकट हासिल करने वाले हरि नारायण राय, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला उन पर, और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग में संदेहास्पद भूमिका को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी चमरा लिंडा और पॉलो सुरीन के यहां सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग के नामजद अभियुक्तों और उसमें संदेहास्पद भूमिका निभाने वाले 3 लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया। इनमें साइमन मरांडी, उमाशंकर अकेला और अनंत प्रताप देव का नाम शामिल है। महगामा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश रंजन हॉर्स ट्रेडिंग 2010 के अभियुक्त हैं। हॉर्स ट्रेडिंग में संदेहास्पद भूमिका की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी सरफराज अहमद और केएन त्रिपाठी के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। आरजेडी ने इस तरह के 6 लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसमें अन्नपूर्णा देवी, संजय कुमार सिंह यादव, संजय कुमार, जनार्दन पासवान, सुरेश पासवान और अरुण मंडल का नाम शामिल है। इन लोगों के ठिकानों पर भी सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। झारखंड की राजनीति में लगता है कि दाग अच्छे हैं, तभी तो दागी सभी पार्टियों को या सभी पार्टियों की आंखों के तारे बने हुए रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को जब कभी चीन अपना हिस्सा बताते हुए उससे भारत के नक्शे से गायब कर देता है तो देश भर से आवाज उठती है, लेकिन जब अपने ही राज्य बिहार सरकार की ओर से जारी एक नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत का हिस्सा न बनाया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? तो बिहार की जीतन मांझी सरकार की ओर से बनाए गए भारत के नए नक्शे से जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को बाहर कर दिया गया। पटना के मास्टर प्लान 2031 के लिए प्रयोग किए गए नक्शे में दोनों राज्य गायब हैं। मास्टर प्लान के अंतिम मसौदे के पृष्ठ 11 पर जो नक्शा है उसमें भारत के नक्शे में शीर्ष पर स्थित पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत के हिस्से में नहीं दिखाया गया, बल्कि यह पाकिस्तान की सीमा में दिख रहा है। वहीं इसी तरह पूर्वी सीमा पर स्थित समूचे अरुणाचल प्रदेश को नक्शे से बाहर कर दिया गया है। राज्य सरकार ने पटना के मास्टर प्लान 2031 के मसौदे में कई बार सुधार किए, लेकिन उसके बाद ये भारी भूल सामने आई। पटना शहर का मास्टर प्लान शहरी विकास विभाग ने अहमदाबाद स्थित सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से तैयार करवाई। हालांकि जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद बिहार सरकार ने शहरी विकास विभाग के सचिव को कार्रवाई का आदेश भी दिया। ये जो नक्शा बनाने का काम हम लोगों ने गुजरात के सेप्ट कंपनी को दिया था, और गुजरात का मानसिकता हो सकता है कुछ खराब हो, लेकिन बिहार का मानसिकता पूरी तरह क्लियर है कि हमारा देश पूरी तरह एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो हम उस पर कल ही हमने आदेश दिया है विभागीय सचिव को इसका जांच करने का, और जिस गुजरात की कंपनी ने इस पर सेप्ट में नक्शा बनाने का काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी किसी देश ने ऐसी हिमाकत की तो भारत ने कड़ा एतराज जताया। 14 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने के बाद विवाद हुआ। नक्शे में कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताया गया, भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया। विवाद को बढ़ते हुए देख ऑस्ट्रेलिया ने माफी मांग ली। दूसरा मामला देखिए इसी साल का है। 1 सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय चैनल अल जजीरा ने भारतीय नक्शे से कश्मीर को अलग बताया, जिसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गलत नक्शा दिखाने पर न्यूज चैनल अल जजीरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस मिलने के बाद चैनल ने भी माफी मांग ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस किसी ने भी ऐसी गलती की तो भारत ने एतराज जताया। अब सवाल यह है कि बिहार सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों नजरअंदाज की? क्यों भारत की अस्मिता और अखंडता से खिलवाड़ किया गया? क्या इस मामले में नक्शा बनाने वाली एजेंसी और अधिकारी ही जिम्मेवार हैं? सरकार की कोई गलती नहीं? इसका जवाब सरकार को भी देना होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जी पूर्वैया।